हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर हब। जैसे कि हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, और जो हमने पढ़ा कि ये चैप्टर जो है हरप्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है, वहाँ की लोकेशन, वहाँ के लोग और बहुत कुछ वहाँ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये सब चैप्टर्स में एक्सप्लेन की गई हैं। जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन थी वो भारत की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन थी। ये जो है अर्ली मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो कमिंग टू द पेज नंबर 30, दो पिक्चर्स दे रखी हैं। एक तो जो है टॉय प्लो की दे रखी है हल की, और एक टॉय कार्ट की दे रखी है उस ज़माने की। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट। पेज नंबर 30 पर जो ये हेडिंग दे रखी है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, तो इसमें बताया है कि ज़्यादातर लोग जो थे वो सिटीज़ में रहते थे, पर कुछ लोग जो है ग्रामीण इलाकों या गांव में भी रहते थे, जो कि जानवर पालते थे और वो मतलब उनके साथ जो किसान थे और चरवाहे थे वो खाना पहुँचाते थे शिल्पकारों को, लेखकों को, या जो किंग्स थे, शासक थे, उनको शहर में। हमें कुछ पार्ट्स मिले हैं प्लांट्स के, जिससे पता चला है कि हरप्पन के लोग जो थे वो गेहूं, जौ, तिल, दाल, मटर, चावल, अलसी और सरसों उगाते थे। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 31 पर, जिस पे हेडिंग दे रखी है अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन इन गुजरात। तो यहाँ पे बात हो रही है धोलावीरा शहर की। धोलावीरा एक शहर था जो कि खादर बेट, जो कि रन ऑफ कच्छ में थी। वहाँ पर साफ फ्रेश पानी और उपजाऊ मिट्टी होती थी। वैसे तो हरप्पन शहर जो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हरप्पन शहर जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जो कि जैसे हमने पहले पढ़ा था सिटाडल और लोअर टाउन, लेकिन ये जो शहर था वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए धोलावीरा कहाँ है? रन ऑफ कच्छ, यस, वेरी गुड, गुजरात में। ये जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था ये पत्थरों के दीवारों से बने होते थे। हर पार्ट ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। हर पार्ट में घुसने के लिए अलग अलग गेट्स लगे हुए थे। तो बाकी सारे इलाकों में जो लिखावट होती थी वो सील्स पर मिलती थी, पर जो धोलावीरा है यहाँ पर जो लिखावट वगैरह होती थी वो वुड्स पर या फिर स्मॉल पीसेस ऑफ वुड्स और इन तरह की चीज़ों पे मिलती थी। और जगह कैसे मिलती थी? सील पर मिलती थी। फिर जो है हम भी लोथाल के बारे में पढ़ते हैं। ये भी जो है गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में है, साबरमती पर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी जो है साबरमती की वहाँ पर है ये लोथाल। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन वर ईजिली अवेलेबल। ये सब चीज़ें वहाँ मिलती। गुजरात के इस इलाके में आज भी जो है हीरा बनाया जाता है, तो हो सकता है उस टाइम पर भी जो है हीरा वगैरह इन सब चीज़ों का, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ये सब चीज़ें जो मिलती थी उसका काम होता हो। तो एक यहाँ पे एक आपकी ये दे रखा है साइड में, अ डॉकयार्ड एट लोथल, दिस इज ह्यूज टैंक, मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर पोर्ट्स और शिप केम इन विद from the sea and through the rivers channels, goods were probably loaded and unloaded here. तो जो सामान को रखने की जगह मतलब स्टोर हाउस होता है ना, और डॉकयार्ड जहाँ पे ships का ships वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर बोट ships आती हैं और सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये पेज नंबर 32 का फर्स्ट पैरा है कि अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड, या जो बिल्डिंग वहाँ पे मिलती थी हो सकता है वहाँ पे एक वर्कशॉप हो बीड्स की, और स्टोन के पीसेस थे और जो ये टूल्स वगैरह होते थे बीड मेकिंग के वो सब वहाँ पे पाए गए थे। इस ब्लू बॉक्स में सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में बताया गया है। तो सील्स का इस्तेमाल उन सामान पर होता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता होगा,
तो उन पर वो ठप्पे लगा कर भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह, और जो कि सीलिंग सही नहीं होती थी तो वो ये श्योर कर सकते थे कि अगर बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो गुड है वो सही से पहुंच गया है, और अगर वो सही नहीं थी तो उससे पता चल जाता था कि सेफ्टी इसमें नहीं है हमारी पूरी तरीके से। और जो कि आज के ज़माने में भी सील्स को यूज़ करा जाता है, ये आपको पता करना है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद आती है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई ये हम सबके समझ के बाहर है। 3,900 साल पहले लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया, सील्स राइटिंग वेट्स का इस्तेमाल होना बंद हो गया, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा सामान लाना बंद हो गया, मोहनजोदारो में सड़कों पर कूड़ा करकट इकट्ठा होने लगा, थोड़े ख़राब से घर बनाए जाने लगे। स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि शायद जंगल ख़त्म हो गए थे, या फिर हो सकता है ज़्यादा पेड़ काट दिए हों, या उस पेड़ काटने की वजह से जो कि वहाँ पे फ्यूल वगैरह है वो भी सब ख़त्म हो गया हो। लेकिन ये एक तरीके की मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं शायद कॉपर ओर्स ख़त्म हो गई हो, कुछ कहते हैं फ्लड आ गया हो या बाढ़ आ जाना, या ये सब जो चीज़ें हैं रिवर सूख जाना, ये सिर्फ एक इलाके में होता है। हम समझ नहीं पाए कि ये जो है इतनी ही है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि पूरा कैसे ख़त्म हो गया। जो भी हुआ पर उससे जो है बदलाव तो आए थे, ये तो नज़र आता था। जो साइट्स थी सिंध में, वेस्ट पंजाब में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वो अबेंडन करी गई थी। और बहुत सारे लोग जो है मूव कर गए थे न्यूअर और स्मॉलर सेटलमेंट्स जो कि ईस्ट और साउथ में थे, और न्यू सिटीज़ जो है इमर्ज हो गए थे 1400 ईयर अगो। एंड ये सब चीज़ें आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और फिर जो है बाकी दुनिया में क्या हो रहा था, ये कॉलम दे रखा है आपने आपके बुक में एल्सवेयर का, तो आपको इसमें इजिप्ट को फाइंड करना है अपने एटलस में। ज़्यादातर जो पार्ट है इजिप्ट का वो सूखा है काफ़ी सालों से। इजिप्ट में 5,000 साल पहले किंग्स जो के वहाँ के शासक थे वो रूल करते थे इजिप्ट में। उन्होंने बहुत बड़े बड़े टोम्स बनाए थे, पिरामिड्स कहते हैं जिनको। यस, आपने वो मूवी देखी होगी द मम्मी। तो जो किंग्स मरते थे तो उनके साथ खाने पीने का सामान चीज़ें भी रख दी जाती थी, और जो है उनका ये मानना था कि जो है मरने के बाद भी एक लाइफ होती है तो उसके लिए वो सब काम आएगा उनके। और कभी कभी ऐसा होता था कि किंग्स और जो किंग्स और ये रूलर्स वगैरह मरते थे तो इनके साथ जो सर्विंग मैन और वुमेन होते थे ना उनको भी बरी कर दिया जाता था। तो ये जो है दीज आर द अमंग द मोस्ट सेलिब्रेट बुरियल नोन एज वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये जो सबसे ख़ास और मतलब इस तरीके का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड है कि ये एक ही इसी तरह के उस ज़माने में पाए जाते थे इजिप्ट में। ओके स्टूडेंट्स, समझ आए आप लोगों को? आप लोगों के कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।